सुनन जात ना कथा बात को बैराग होइ रहो और ना सुनवाई में बैराग होइ रहो ना सुनवाई में बैराग लेकिन न को दोष ना अरे नए दोई चदरिया कौन सी चदरिया जब प्रभु ने जो पांच तत्व की चदरिया तुम्हें दी जब पापों से मैली हुई है अब जाके ज्ञान को सावन किन पे मिली है जब तुम्हें सदगुरु मिल जाए तब अरे नए दोई चदरिया नीद
रखना मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। राजा प्रीव्रत को वैराग हो गया, अब अवध के राजा कौन है? महाराज उत्तानपाद। और महाराज उत्तानपाद की प्राण प्यारी का क्या नाम है? सुनीति। सुधन बराबर नीत, यानी पट रानी का पद पाकर पत पे बलिहारी डालती है, पति पर पतिव्रता औरत है। और उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद लोगों, उत्तानपाद हर जीव होता है। कब होता है? जब माँ के उदर में जब उल्टा लटका होता है, उस समय हर जीव उत्तानपाद होता है। और हर जीव की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, एक नीत और एक अनीत। महारानी सुनीति पतिव्रता। एक बात बार बताओ भैया, शति ढूंढवे को निकल पड़ो, शति ढूंढवे को निकल पड़ो तो गांव में बगांव में तुम्हें सती जरूर मिल जाएगी। और सती तो इतनी कथा पांड रही हूं बैठी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पतिव्रता होना कठिन बात है। अब आप लोग चौंक पड़े होंगे कि शास्त्री जी आप तो अजीब बात कह रहे हैं, शती होना कठिन बात नहीं है, पतिव्रता होना कठिन बात है। हां, शती होना इसलिए कठिन बात नहीं है बहनाओं, शती पति खत्म हो जाए, मार्केट में जाओ दो सल्फाइड टिक्की लेके आओ, तेल भी रखो, गटक जाओ, मर जाओ, सती हो जाओ। सती होना कोई कठिन बात नहीं, पति खत्म हो जाए, कड़ा में रस्सी बांधो, गले में फंसा, लटक जाओ, मर जाओ, सती हो जाओ। लेकिन पतिव्रता होना कठिन बात। अब तुम सोच रही हो कि पतिव्रता औरत की पहचान का है, तो मैं नहीं कह रहा, हमारा वेद कह रहा है। कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रम्भा। कार्येषु मंत्री, घर में कार्य करते समय अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे। कर्णेषु दासी, घर में कार्य करते समय दासी की तरह से काम करे। और एक रूप औरत के अंदर माँ का भी होता है। जब पति खाना खाने के लिए आए, रंभा की तरह से उसके चित्त को चुराए। और जब पति खाना खाने के लिए आए तो इतना प्यार करे जैसे कोई माँ अपने बेटा को खाना खवाती तो कितने प्यार से खवाती। क्षमा धर्म। और ये छेव लक्षण जय स्त्री के पास वो औरत पतिव्रता है, और ये छेव लक्षण रानी सुनीति के पास में मौजूद है। सबसे पहले दिनचर्या से उठ कर अपने पति के चरणों का स्पर्श करती हैं, उसके बाद में दैनिक कार्यों में लग जाती है। और हमने तो सुना है कि बड़ी कथाएं होती हैं यहाँ पे, कथाएं होती हैं। अब बात आ रही तो हम पूछेंगे जरूर, खूब कथाएं होती हैं और हमारी माता बहनें सुनने के लिए भी आती होंगी। अपने अपने ईमान की कसम है, हम समझ आएंगे कथा का रंग है तुम्हारे ऊपर। हाथ उठाए बताओ, कौन सी देवी है जो अपने सास ससुर पति की सुबह उठकर पैर छूती? हाथ उठाओ।
कोई शर्म वाली बात नहीं है, हाथ उठाओ बताओ। कथाएं बहुत होती हैं, कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन कथा को रंग तो है ही नहीं। कथा को रंग है बताओ। तीन चार हाथ उठे केवल, चलो बहुत बढ़िया बात है, पैर ना छोटी हो। अच्छा बे हाथ उठाओ, सवेर छुआती कितनी हो, उठाओ बहनाओ। सत थोड़ा कड़वा होता है। हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बहन बेटी आई, ऐसी बात मत समझना मैं तुम्हारे ऊपर कोई कुठारा घात करे ना। अगर आज से कथा सुनने के लिए आई हो मेरे ठाकुर के दरबार में, तो आज से मन ही मन में संकल्प कर लियो कि कल से मैं उठ कर सबसे पहले सास ससुर जो भी सम्मान देने के लायक है मैं उनके चरणों का स्पर्श करूंगा। और चरण स्पर्श करने से मालूम यश बुद्धि बल ये तीन चीजें बढ़ती है, तीन चीजें बढ़ती है। अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो, और चुनरियां दिखाने अगर आई हो तो कतई न करी। देखो मैंने कल भी बताया था, कथा का मतलब होता है हमारे समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं हमें उन पे अंकुश लगाओ। भगवान की कथा ये तो सिखाती है हमें, और क्या सिखाती बता। रामायण क्या कह रही, चलो जो तो माताओं की बात थी, अब हमारे नौजवान बैठे हैं कथाएं आप खूब करवाते हो, हाथ उठाओ कौन से ऐसे नौजवान हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता की अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करते, हाथ उठाओ। बहुत बड़े भक्त हैं राम और कृष्ण के, बताओ रामायण क्या कह रही है। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरनावे माथा, बताओ रामायण बता रही है। तो नौजवानों से मैं संकेत करूंगा, ओ भारत के नौजवानों, ये भारत का सारा भार तुम्हारे कंधों के ऊपर है। एक महारानी सुनी थी जो अपने पति को परमेश्वर मान रही है, लेकिन भगवान की लीला मनीष रानी सुनीति के गर्भ से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। जब किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया, एक दिन महारानी सुनीति आंगन में बैठी हुई और बिलख बिलख करके रो रही।